हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजाज फिनसर्व ऐप से हम कैसे मोबाइल रिचार्ज या फिर डीटीएच रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बजाज फिनसर्व ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाटर कनेक्शन बिल पेमेंट या गैस कनेक्शन बिल पेमेंट, और इसी तरह से ब्रॉडबैंड का जो पेमेंट होता है, ब्रॉडबैंड बहुत सारे लोगों ने लगवा रखा है आज के टाइम में, तो उसका भी पेमेंट करना होता है तो वो भी कर सकते हैं। लैंडलाइन अगर किसी ने लगवा रखा है तो उसका भी पेमेंट ऑनलाइन यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पेमेंट किया जा सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं बजाज फिनसर्व ऐप में। इसके अलावा कभी कभी को आपको कैशबैक या फिर डिस्काउंट का ऑफर भी मिलता है, तो अगर वो रहता है कैशबैक या फिर डिस्काउंट का ऑफर, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम जो है मोबाइल रिचार्ज या फिर डीटीएच रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट्स कर सकते हैं बजाज फिनसर्व ऐप से। इसके लिए चलना होगा सबसे पहले तो ऐप पर, और अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आपको इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। ये आप गूगल प्ले स्टोर या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस पर साइन अप करना होता है या फिर आप इसको कहिए रजिस्टर करना होता है, जो कि कुछ सेकेंड्स का ही काम होता है। वो आप अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके फौरन ही रजिस्टर या आप कहिए इसको साइन अप कर सकते हैं, और उसके बाद लॉगिन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इस ऐप से मोबाइल रिचार्ज या फिर डीटीएच रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है बजाज फिनसर्व ऐप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, तो आपको लॉगिन कर लेना है। और अगर आपने पहले से साइन अप रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आपको रजिस्टर कर लेना है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। वैसे तो चंद सेकंड्स में ही हो जाता है जो साइन अप प्रोसेस है, जो रजिस्टर का प्रोसेस है। और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, चाहे तो आप अपना एमपिन इस्तेमाल करके लॉगिन करें या फिर चाहे तो आप जो है मेरी तरह से फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा बजाज पे। तो ये UPI का ऑप्शन अभी जुड़ा है इसमें नया। तो UPI होने का मतलब ये है कि आप जो है चाहे तो इस पर UPI अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं और UPI से सारे लेन देन जितने ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे ही वी वॉल पर टैप करते हैं तो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको रिचार्ज करना हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो प्रीपेड का, या फिर DTH रिचार्ज करना हो या फिर फास्टैग रिचार्ज करना हो, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यूटिलिटी एंड बिल्स, जिसमें आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल का जो पोस्टपेड कनेक्शन होता है उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं, और जिन पे ऑफ़र होता है आपको ऊपर ऑफ़र देखने को मिल रहा है तो आपको कैशबैक या फिर डिस्काउंट का ऑफ़र भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे LPG गैस सिलेंडर का पेमेंट करना चाहें तो वो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। गैस लाइन कनेक्शन जो होता है पाइप्ड वाला, उसका बिल पेमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉडबैंड भी है, तो ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी बिल जनरेट होता है, तो अगर वो चाहें तो वो भी पेमेंट कर सकते हैं। लैंडलाइन पोस्टपेड है तो उसका भी बिल पेमेंट हो जाएगा। और केबल TV अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो केबल TV का भी बिल पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। वाटर कनेक्शन है तो उसका बिल पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टैक्सेस में देख सकते हैं लोन रीपेमेंट, LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रीमियम होते हैं उनका पेमेंट करना चाहिए। अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है तो इंश्योरेंस के प्रीमियम का पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, LIC का भी कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप कर सकते हैं जो कि न्यू ऑप्शन यहाँ पे, और म्यूनसिपल टैक्सेस आप पेमेंट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अदर सर्विसेज में हॉस्पिटल भी है, सब्सक्रिप्शन भी है, हाउसिंग सोसाइटी है, क्लब्स एंड एसोसिएशंस, इसके अलावा एजुकेशन का भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे BSNL लैंडलाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, हालांकि ये जो है मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल पेमेंट किया है जो कि फाइबर वाला है। तो बहरहाल कैसे आपको पेमेंट करना है या फिर कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, मैं रिचार्ज का आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप जो प्रीपेड वाला रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड इस पर इस तरह से टैप कर लेना है, और यहाँ पे आपको नेम या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। जैसे कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में से आप किसी का रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसका रिचार्ज कर सकते हैं। तो नेम का मतलब ये होता है कि अगर आपने कॉन्टैक्ट सेव कर रखा है, किसी का नंबर जो है आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर रखा है, तो ये आसानी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन देख सकते हैं, तो जितने आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं आप चाहें तो उनका रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर बिल पेमेंट करना चाहें, जैसे कि पोस्टपेड कनेक्शन है तो वो भी आप पे कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर भी एंटर करके रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको ऑपरेटर चूज़ करना है, ऑलरेडी यहाँ पे फेच कर लिया गया है। वैसे आप चाहें तो यहाँ से ऑपरेटर चूज़ कर सकते हैं, एयरटेल है, BSNL है, जियो है, MTNL है, वी है। और सर्कल चूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इस तरह से आप सर्कल चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्लान्स देख सकते हैं,
कौन से प्लान्स अभी के टाइम में चल रहे हैं, उनमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो प्लान्स चेक करके जो भी प्लान आपको लेना हो तो आप वो रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अमाउंट इंटर करना हो तो अमाउंट इंटर करके आप जो रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि 10 रुपये रिचार्ज करने हैं, बस मुझे 10 रुपये रिचार्ज करने हैं, एक तरह से ये प्रोसेस पूरा दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 वाला चूज़ कर लिया और उसके बाद प्रोसीड पर यहाँ पर टैप कर लिया। अब आपको पेमेंट करना होता तो आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे पेमेंट मेथड्स हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड से आप चाहे तो कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और बजाज पे जो वॉलेट है, बजाज पे वॉलेट, उससे भी कर सकते हैं आप। तो आप जैसे पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने UPI यहाँ पे चूज़ कर लिया और UPI चूज़ करने के बाद अपना UPI ID एंटर कर देता हूँ। तो मर्ज़ी आपकी है, जैसे चाहें आप वैसे पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। UPI ID को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसके बाद पे नाउ पे आपको टैप कर देना होता है। अब आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन, और ये हमारा जो ट्रांजेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है और हमें रिसीट भी मिल जाती है इसकी। इंस्टेंटली हम चाहे तो ये रिसीट जो है सेव कर सकते हैं और इसको चाहे तो हम शेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिसीट चेक कर सकते हैं व्यू रिसीट पे क्लिक करके, और इसको चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है तो देखिए ऑफर चल रहा है, ऑफर चेक कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पर चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर देख लीजिए, दुनिया भर के हैं तो आपको इसमें से मिल जाएगा जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद आप चूज़ करेंगे उस सर्विस प्रोवाइडर को। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये सब कुछ जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। आप सर्च भी कर सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद आपको कंज्यूमर नंबर एंटर करना है जो कि 12 डिजिट यानी 12 डिजिट का होता है, और बाकी आपकी डिटेल्स फेच कर ली जाएंगी कि कितना आपका बकाया है, और उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा अगर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल पेमेंट करना है तो आपको ब्रॉडबैंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, और यहाँ से आपको अपना सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करना होता है। सर्च कर सकते हैं इसमें, और बिल्कुल सेम वैसे ही रहता है जैसे कि मैंने लैंडलाइन पोस्टपेड का यहाँ पे पेमेंट किया है, हालाँकि वो BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, तो वो मैंने जो लैंडलाइन के ज़रिए से पेमेंट किया है क्योंकि उस पर आपको लैंडलाइन नंबर मिलता है, उसके ज़रिए से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैंने पेमेंट किया हुआ है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से पेमेंट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर चूज़ कर लेते हैं, BSNL लैंडलाइन इंडिविजुअल, और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना 10 डिजिट का जो नंबर होता है, अकाउंट नंबर आप उसको कह सकते हैं, टेलीफोन नंबर होता है भाई, वो एंटर करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे फेच योर बिल पे इस तरह से टैप कर देना होता है। तो मैंने ऑलरेडी इसका पेमेंट कर रखा है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ड्यू नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इस ऐप की मदद से बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इंश्योरेंस वगैरह का भी पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप इस एक ऐप से कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऑफ़र्स भी चेक कर सकते हैं। तो आपको जितने ऑफ़र्स होंगे सारे दिखाई देंगे, और आप चूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह के ऑफ़र्स, जैसे कि वाउचर ऑफ़र्स, इसके अलावा पेमेंट ऑफ़र्स, जैसे कि ये मोबाइल रिचार्ज पे आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे भी है, LPG वाले पे भी है। तो इस तरह से आप जो ऑफ़र्स चेक कर सकते हैं, और पेमेंट करने से पहले पहले आपको प्रोमो कोड का भी ऑप्शन मिलता है। तो ऑफ़र वगैरह कभी को रहता है तो प्रोमो कोड आपको दिया जाता है, तो वो प्रोमो कोड आप इस्तेमाल करके या तो डिस्काउंट या फिर कैशबैक ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।